एक घटनाक्रम में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत विक्रेताओं ने पक्षपात और धन के अनुचित वितरण का आरोप लगाते हुए अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। ब्लॉक हरमन के प्रतिनिधियों के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन ने पड़ोसी ब्लॉक कांची बुलर की तुलना में धन आवंटन में विसंगतियों को उजागर किया। विक्रेताओं के अनुसार उन्होंने संबंधित अधिकारियों के निर्देश पर 20 लाख रुपए की एक रिपोर्ट सौंपी थी, जो ब्लॉक कांची बुलर में की गई इसी तरह की कार्रवाई को दर्शाती है। हालांकि जहां ब्लॉक हरमन को केवल 14 लाख रुपए मिले तो वहीं ब्लॉक कांची बुलर को कथित तौर पर 84 लाख रुपए मिले। खबर दिखाएंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले जीबीएन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुसुम ठाकुर। लेकर आई हूं जम्मू कश्मीर की ये खबर। विक्रेताओं ने अधिकारियों पर बेईमानी का आरोप लगाया और ब्लॉक हरमन के लिए न्याय की मांग की। उनका दावा है कि सरकार द्वारा लगातार अनदेखी की गई है। विरोध प्रदर्शन ने संसाधन आवंटन के संबंध में लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर प्रकाश डाला और मनरेगा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और निष्पक्षता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। मामले पर टिप्पणी के लिए स्थानीय अधिकारियों से संपर्क करने के प्रयास रिपोर्टिंग के समय असफल रहे थे। हालांकि ये विरोध विक्रेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों की गहन जांच की आवश्यकता और मनरेगा के तहत सभी ब्लॉकों में संसाधनों के समान वितरण को सुनिश्चित करने में जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है। जी, मेरा नाम इमरान नजीर है, मैं इसी ब्लॉक के साथ वाबस्ता हूँ। मैं यहाँ का मैं भी एक वेंडर हूँ और मेरे साथ जो भाई है ये सारे भी यहाँ के वेंडर्स है। हमारे साथ इस टाइम ये प्रॉब्लम हुआ है कि पिछले टाइम जो प्रॉब्लम हुई तब हमें बिल्कुल भी मटेरियल नहीं आया है, लेकिन इस फिर हमें हायर अथॉरिटीज ने एश्योरेंस दिया कि हम आपके साथ पूरा इंसाफ करेंगे और नेक्स्ट टाइम आपका मटेरियल जो वो पूरा आएगा। लेकिन इस टाइम फिर से सेम सिचुएशन हुई है, जो उस वक्त का एसीडी साहब था हिलाल जहरी, तो उसने बोला है कि 20 लाख आप दे दीजिए, जबकि हमने भी 20 लाख दे दिया है और कार्जी ओला ने भी 20 लाख दे दिया है। बदकिस्मती से हम इस टाइम मीडिया पे इसलिए आए हैं कि हमारे लिए सिर्फ 14 लाख आए और उनके लिए 85 लाख आए, जबकि दोनों ने 20-20 लाख का यहां से मतलब ये दे दिया लिस्ट भेजा है, लेकिन वहां से सिर्फ इतना ही आया है कि हमारे लिए 40 लाख और उनके लिए 85 लाख। ये हमें समझ नहीं आता है कि ये कहां पे होता है, अगर ये किस जगह होता है तो हम हैर था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम अपनी ब्लॉक के ऑफिस में बैठे, हम जो आप जो यहाँ देख रहे हो, हम सभी वेंडर्स है नरेगा का, जो हम काम करते हैं इसमें हम वेंडर्स रजिस्टर है। तो हरमन ब्लॉक तहसील भी हमारा डिस्ट्रिक्ट शोपियान की बात है। एक्चुअली मसला ये है कि हमारा जो मटेरियल कंपोनेंट है, पिछले 2 महीने पहले एक कंपोनेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो आया कंपोनेंट, उसमें हम इग्नोर हुए हैं। क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ समझ ही नहीं है। उसके बाद हमने क्या किया, हम बाजब हमारी यूनियन है, हम बाजब तौर यूनियन के थ्रू हम हमारे यहाँ एसीडी साहब हिलाल जेरी साहब थे, उसके पास गए। उसके बाद हम डीसी साहब के भी पास गए, उसके बाद हम डायरेक्टर साहब के भी पास गए, और इतना ही नहीं मनदीप कौर कम्युनल सेक्रेटरी सेक्रेटरीट वहां भी गए और उन्हें हम उन सब इन सब अफसरों को हमने। अभी के लिए बस इतना ही, देश और दुनिया साथ में जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जीवन 24 न्यूज़।